कर्ज माफी और बिजली बिल माफ करने जैसे अन्य मुद्दों को लेकर किसानों द्वारा 23 सितंबर को किसान क्रांति यात्रा शुरू की गई। किसान अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए दिल्ली में राजघाट से संसद तक मार्च करना चाहते थे, पर दिल्ली पुलिस ने हजारों किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और यूपी से दिल्ली तक के सारे रास्ते बंद कर दिए। मंगलवार को किसानों और पुलिस के बीच काफ़ी हिंसक संघर्ष देखने को मिला। किसानों को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोकने के लिए दिल्ली और यूपी दोनों राज्यों की पुलिस ने जोर लगा दिया। मंगलवार सुबह 11 बजे किसानों का यह आंदोलन तब हिंसक हुआ जब उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की। किसानों की यही मांग थी कि 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाए, प्रधानमंत्री फसल योजना में बदलाव किए जाएं, कर्ज माफी, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली प्रदान की जाए, किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुफ्त लोन दिया जाए और स्वामीनाथन योग रिपोर्ट लागू करना मुख्य मांग थी। मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे पुलिस द्वारा बैरियर खोले गए और किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त मिली। सारी रात किसानों को सड़क पर बितानी पड़ी, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी इनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से क्या पहल की गई इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। सरकार ने आपकी क्या क्या मांगे मान ली है? भाई बातचीत हुई, कई चीज़ों पर सहमति हो गई और 6 दिन में पता चला क्या क्या हुआ क्या नहीं, तो बहुत चीज़ों पर उन्होंने कहा है कि हम ये चीज़ें करेंगे, अब ये कब तक होती है क्या होती है। किसानों के द्वारा आंदोलन की खबर फैलने के बाद राजनीति पार्टियां भी सक्रिय हो गई और इस मुद्दे पर जमकर सियासत चमकी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं के साथ अपने आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किसानों की ज्यादातर मांगों व सहमति बन गई। प्रमुख बातें कौन कौन सी मानी है उन्होंने, जैसे आपका डिमांड? कृषि से जो अपने खेत में काम करके उनको मजदूरी कर देने, ये तो बड़ा सवाल था देश में, वो उन्होंने मानना। और दूसरा ये है कि जंगली जानवरों वाला मामला है, फसलों के रेट बढ़ाने की भी बात करी, उसके खरीद की गारंटी की बात करी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कुछ तो स्वामीनाथन वाले रिपोर्ट की भी बात हुई है और उसमें कुछ अभी पसंद है। साहब का जन्मदिन है 6 अक्टूबर का, उसे मनाऊंगे अच्छी तरह से, अपने सुलह मशवरा करूँगा। 12 दिन हमारी यात्रा को होगी, तो किसान भी आ रहे थके हैं खूब, तो किसानों ने बड़ी हिम्मत करी, किसानों की जीत हुई, कोई इसमें कोई दो राय नहीं।